यूपी के मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। जानेंगे यूपी के सभी जिलों के मौसम का हाल, तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। चलिए जानते हैं आने वाले दिनों में किस तरीके से यहाँ पर मौसम बदलने वाला है, किस तरीके से तापमान में अंतर देखा जाएगा, यूपी में अभी कितना ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है, किस तरीके से यूपी में आने वाले दिनों में कड़कड़ाती ठंड पड़ सकती है और कैसा मौसम रहेगा, ये सब हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं यूपी के अलग अलग ज़िलों का हाल, यानी कि यूपी के अलग अलग ज़िलों में कहाँ पर कितना तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि यूपी में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गलन भरी सर्दी देखने को मिल रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तापमान में गिरावट देखी गई है। मौसम विभाग की माने तो यूपी के तापमान में भारी अंतर देखने को मिला है। प्रदेश के ज़्यादातर शहरों में बारिश के असर के बाद ठंड बढ़ गई है, तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से ज़्यादा ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले सप्ताह तक सर्दी का यही सितम बरकरार रहेगा, इस दौरान कोहरा भी छाया रहेगा। तापमान की अगर बात की जाए तो लखनऊ में अधिकतम तापमान 21, न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। वाराणसी में अधिकतम तापमान 21, न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस। प्रयागराज में अधिकतम तापमान 19, न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस। कानपुर में अधिकतम तापमान 18, न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस। गोरखपुर में अधिकतम तापमान 17, न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस। अयोध्या में अधिकतम तापमान 21.8 और न्यूनतम तापमान 13.2 है। मेरठ में अधिकतम तापमान 21 तो न्यूनतम तापमान काफ़ी कम है, यहाँ पर 7 है। इसी तरह आगरा में भी न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस है और अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें कि कई जिलों में पारा काफ़ी ज़्यादा लुढ़क गया है और लखनऊ में बारिश के बाद खास तौर पर दिन के तापमान में और रात के तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी गई है। आपको बता दें कि लखनऊ में मंगलवार को 9.6 मिलीमीटर बारिश हुई, बुधवार को 0.4 मिलीमीटर बारिश हुई। कुल मिलाकर दो दिन में यहां पर 10 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके अलावा पूर्वी यूपी में कई जगह पर और पश्चिमी यूपी के कुछ जगह पर बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ी हैं, जिसके चलते प्रयागराज, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, झांसी, आगरा में दिन के तापमान में भारी गिरावट देखी गई है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर, हरियाणा के पास एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसके चलते दक्षिण पश्चिम और राजस्थान की हवाओं का प्रकोप जारी रहेगा और इससे यूपी में ठंड के साथ गलन भी बढ़ेगी। हालांकि एक सप्ताह तक आने वाले दिनों में यूपी में लगातार तापमान गिरने वाला है और कुल मिलाकर कोहरे से भी ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। मेरठ में खास तौर पर असर देखा जा रहा है और आपको बता दें कि कोहरे का असर इतना ज़्यादा है कि सड़कों पर विजिबिलिटी भी कम हो गई है। आपको बता दें कि लखनऊ में 10 मिलीमीटर 24 घंटे में बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके कारण 6 साल का यहां पर तापमान रिकॉर्ड टूट गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि पाकिस्तान और आसपास बने पश्चिमी विक्षोभ के चलते यूपी के कई जिलों में बारिश हुई है और गुरुवार से मौसम यहां पर और भी ज़्यादा बदल गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आने वाले दो दिन यानी कि शुक्रवार और शनिवार को मौसम इसी तरीके का रहने वाला है, यानी कि काली घटाएं भी छा सकती हैं और कई जिलों में बादल छाने के साथ साथ कोहरे का असर भी बरकरार रहेगा। तो कुल मिलाकर यूपी के अधिकतर जिलों में काफ़ी ज़्यादा तापमान नीचे गिरेगा और इसके चलते कड़ाके की ठंड का एहसास होगा। आपको बता दें कि उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में जमकर ठंड पड़ रही है और इस ठंड के चलते यहां पर ठंडी हवाएं आ रही हैं और बर्फबारी के बाद ठंडी हवाएं आने से उत्तर प्रदेश का तापमान और भी ज़्यादा नीचे गिर रहा है और इस सर्दी ने लोगों को परेशान करके रख दिया है और काफ़ी ज़्यादा सर्दी का सितम उत्तर प्रदेश के लोगों को झेलना पड़ रहा है। बाकी सभी जिलों में मौसम पहले की तरह सामान्य रहेगा। हर दिन मौसम से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और एक प्यारा सा लाइक कर दें। धन्यवाद।